तेजस्वी यादव के लिए ये एक बेहतर स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। लड्डू वड्डू की तैयारी आप लोगों ने की भी है कि नहीं? कुछ लोगों ने लड्डू भी खा लिए थे। अभी तक की जो तस्वीर है उसमें ये दिख रहा है, आप वो अभी तक नहीं सुनना चाहते। क्या कांग्रेस की वजह से हार गए? आंकड़े कहते हैं कि टिकट बांटने में तेजस्वी से बड़ी भूल हो गई। पिछले कुछ दिनों से हम बिहार में चुनाव की गर्मा गर्मी देखते आ रहे हैं। कहीं बेरोजगारी की बात है तो कहीं पाकिस्तान की बात है, कहीं अच्छी शिक्षा की बात हो रही थी तो कहीं फ्री वैक्सीन देने के वादे। अब इन सब के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार में इस पर फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इन चुनावों में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 और आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। पर हम आज मीडिया में जो आंकड़े देखने को बदलाव आया उस पर चर्चा करेंगे। बिहार के चुनावी नतीजों से पहले हर न्यूज चैनल पर भी चुनाव के एग्जिट पोल के राही नतीजे दिखाए जा रहे थे। अब हम एक एक करके न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में जब महागठबंधन जीता तब वहां क्या माहौल आ रहा था और आज तक पर तो एक सेट भी बनाया गया जिसमें इन एग्जिट पोल को दिखाया गया। जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए महागठबंधन को जीतता दिखाया, एक खुशी की लहर वहां दिखी। और यहां पर ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं और यकीनन तेजस्वी यादव के लिए ये एक बेहतर स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। सबसे आगे 44% के साथ तेजस्वी यादव। सीट दिखाने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। हम नीचे आए, वो इंतजार जो सीट का, ये लीजिए एक्सेलेटर आ गया है और मैंने इस पे पैर भी रख दिया है। नीचे मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, ये चलना शुरू जैसे ही करेगा वैसे ही हम नीचे जाकर आपका इंतजार खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव तेजस्वी यादव का जादू चलता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान। आइए नीचे चलते हैं, नीचे ये एस्केलेटर ने जाना शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव को। ये तेजस्वी यादव के पक्ष की और उनकी अपनी कामयाबी ही मानी जाएगी। बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का, या फिर पूरे तौर पर उनकी छवि, एक युवा नेता और साथ में एक बदलाव का मन। एबीपी न्यूज पर इन्हीं एग्जिट पोल के आधार पर एंकर बीजेपी को हारता देख उनसे तीखे सवाल करते दिखे। शहराबाज हुसैन साहब, राक्षस राज आपको नाम दे दिया भाई। आप लोग कह रहे थे कहां डबल इंजन की सरकार, यहां तो राक्षस राज। अभी राजद के लोग एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान गए और ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। मैं मानता हूं जो हम लोगों का फीडबैक है उस आधार पर कह सकता हूं। आपके दावों का पता दिया वरना आपके बाकी सरकार बनेगी और उनसे अगर चितरंजन जी, अखिलेश जी ये बात कहते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो इस बात को करना ही नहीं चाहते हैं। आप तो चलिए 5 साल पहले आप लोगों ने जल्दबाजी में पटाखे फोड़ दिए थे, लड्डू खिलाने शुरू कर दिए थे, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन लड्डू वड्डू की तैयारी आप लोगों ने की भी है कि नहीं? कुछ लोगों ने लड्डू भी खा लिए थे, लेकिन जब रिजल्ट देखिए क्या है कि हम सरकार में हैं, हम लोकसभा में भी जीते, हम सरकार में भी हैं, हम जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा न्यूज 18 पर भी इन्हीं एग्जिट पोल की चर्चा थी और महागठबंधन की जीत की खुशी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन क्विकली पोल ऑफ वोट्स के अंदर कार्तिक की टक्कर आरजेडी 120, जेडीयू प्लस 116, भारतीय जनता पार्टी अपने किले को बचाती हुई, जेडीयू पीछे खिसकती हुई, जेडीयू नंबर 3 और 4 की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी डायरेक्ट अगर हम माने तो आरजेडी के साथ नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़ रही है। कांटे की टक्कर है पोल ऑफ वोट्स के अंदर, लेकिन टुडे चाणक्या के बिहार विश्लेषण के अंदर एक मुश्त जीत हो रही है आरजेडी गठबंधन की ये पोल। और बाकी अगर हम पोल्स की बात करें तो आर भारत यानी रिपब्लिक भारत का जो पोल है जन की बात का, उसमें भी आरजेडी गठबंधन को 127 सीटों तक मिल रही है। भास्कर के अंदर लेकिन स्थिति बदल रही है, यानी मिक्स पोल्स है, मैं आपको बताऊं। वहीं इंडिया टीवी पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जो फासला था एग्जिट पोल में उस पर ज्यादा चर्चा हो रही थी। ये समझा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में तेजस्वी क्यों युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बिहार का चुनाव बिना कास्ट कैलकुलेशन के पूरा नहीं हो पाता है। ये टुडेज चाणक्य का आप देखिए ये क्या बताता है। महागठबंधन 69 और वही एनडीए के पास केवल 22% वोट और अन्य के खाते में थोड़े बहुत जो इधर उधर छुटपुट। लेकिन आप यहाँ देखिए, मतलब मेजर डिफरेंस है, जो लैंडस्लाइड डिफरेंस हम कहते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यादव और मुस्लिम वोटर्स का तेजस्वी के साथ यूनाइटेड होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी यही दिखाई देता है जो आप ये सर्वे इस वक्त देख रहे हैं। आइए अब एक नजर मारते हैं कि एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल चुनावी सर्वे का एक हिस्सा है
जब वोटर अपना वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकल रहा होता है तो उससे सवाल किया जाता है कि उसने किसे वोट दिया। इसी प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर किया जाता है और बड़े स्तर पर जो नतीजे निकल कर आते हैं वह एग्जिट पोल कहलाते हैं। एग्जिट पोल चुनाव से पहले का अनुमान होता है। ये आंकड़े कितने सही होते हैं ये चुनाव के नतीजों से साफ हो ही जाता है। बिहार के चुनावों के एग्जिट पोल में क्या स्थिति थी उस पर भी बात कर लेते हैं। एबीपी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 129 सीट और महागठबंधन को 108 से 131 सीट दी जा रही थी, जबकि आज तक माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91 सीट और महागठबंधन को 139 से 161 सीट दी जा रही थी। अब जब नतीजे आ चुके हैं तो यही मीडिया जो महागठबंधन की एग्जिट पोल जीत पर खुश था वह अब इनमें ही कमियां ढूंढ रहा है और बीजेपी से तीखे सवाल करने वाले उनकी जीत पर खुशी मनाते देख रहे हैं। आज तक पर नतीजों के बाद भी एनडीए की जीत को लेकर खुशी का माहौल था। पीछे रह जाती है तो फिर मतलब शाम 6 बजे ये जो जश्न की तैयारी है इसमें कुछ संकेत भी है क्या बिहार को लेकर, और नीतीश कुमार को यहाँ से कोई संदेश देना चाहते हैं आप लोग? किसी ने मुझे टैग करके ट्वीट किया कि चित्रा जी के बात में नहीं आना है, वो जेडीयू से आपको लड़वा देंगी। बीजेपी गठबंधन धर्म को अच्छे से निभाती है, आप हमारी तारीफ कर रही हैं, शुक्रिया चित्रा जी। धर्म की बात तो है लेकिन बात जनता के मैंडेट की भी है ना शहनवाज हुसैन साहब। जी जी जनता जन जी ये सही है तो बात है हमारे, ये यही तो बीजेपी है। अभी आप ही का आंकड़ा है ना, 7 सीटों का अंतर है, ओनली 7। अगर आप एनडीए की 7 कम करके मैं तो साथ जोड़ दें, आप सारी बात मेरी सुन रहे हैं लेकिन मैं जो साथ में एक बात कह रहा हूँ कि अभी तक की जो तस्वीर है उसमें ये दिख रहा है, आप वो अभी तक नहीं सुनना चाहते, आप उसमें 2.25 करोड़ जोड़ लेना चाहते हैं और आपको लग रहा है वो 2.25 करोड़ आपका ही है सारा, बस वही गिनना बाकी रह गया। एबीपी न्यूज तो अपने एग्जिट पोल को सही बताने में लगा था और बीजेपी की जीत को सही बता रहा था। तो बिस्कोमान भवन की ये तस्वीर आपके सामने और इस वक्त आतिशबाजी, सजा हुआ बिस्कोमान भवन, और इस वक्त के आंकड़े ये कह रहे हैं जो अभी रुझान ही है कि ये दिवाली बिहार में नीतीश कुमार वाले, 2020 बिहार में एक बार फिर से नीतीश। जी हाँ, इस वक्त के रुझान इसी ओर इशारा कर रहे हैं, आंकड़ा आपके सामने, नीतीश प्लस मतलब एनडीए 131। नीतीश गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है, साथ ही एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल पर बिहार की जनता ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। जितने भी एग्जिट पोल हुए थे उसमें सिर्फ एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल ही सबसे सटीक और सही साबित हुआ है। बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। जितना सटीक एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल का आंकड़ा था, इस आंकड़े के करीब कोई पास तक नहीं पहुंच पाया। सिर्फ एबीपी न्यूज नहीं, अपने सर्वे में एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया था। और वहीं इंडिया टीवी पर महागठबंधन की हार को लेकर चर्चा चलने लगी, अगर वे जीत जाती तो क्या ये सब कमियां ठीक लगती। एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनने वाली है, तो सवाल है जब एग्जिट पोल में आगे रहने वाले तेजस्वी यादव हार कैसे गए, क्या कांग्रेस की वजह से हार गए? आंकड़े कहते हैं कि टिकट बांटने में तेजस्वी से बड़ी भूल हो गई। तेजस्वी यादव हार चुके हैं लेकिन पार्टी है कि इस सच को मानने को तैयार नहीं। पटना से आरा तक आरजेडी के समर्थक बवाल काट रहे हैं क्योंकि चुनाव नतीजे कह चुका है कि बिहार के लोगों ने आपके पैरों तले की जमीन खींच ली है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी तेजस्वी की पार्टी लट्टू की तरह नाचकर रह गई और आखिर में चकराकर गिर गई। अब बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और शायद नीतीश कुमार ही एक बार फिर से सीएम के पद की शपथ लेंगे। मीडिया में पूरे दिन में क्या बदलाव आए आप सबने ये तो देख ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.